आदरणीय भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के मेरे मजदूर भाइयों बहनों, एंसलरी भाइयों बहनों, मुंशी भाइयों बहनों और सरदार भाइयों और बहनों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि 16 तारीख को राजगीर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक श्रमिक संघ की तरफ से की जा रही है। उस बैठक में ऐसे लीडर्स लोग का नियुक्ति किया जाना है जो आपका श्रम कार्ड को और QR कार्ड को श्रम मंत्रालय में लिंक करेंगे। ध्यान रहे, श्रम मंत्रालय में लिंक करेंगे। जो समस्याएं वर्तमान में मजदूर यूनियन में देखी जा रही है, झेली जा रही है, उसका समाधान 16 तारीख के बाद होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी उस बैठक में जाएं और हमारे जो भी बड़े लीडर्स हैं उनसे निवेदन करें कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लीडर्स का नियुक्ति किया जाए जो मजदूरों को परेशान ना करें। ये यूनियन गरीबों का यूनियन है, लेकिन बार बार हम ये सुनते आ रहे हैं, मेरे पास हजारों कॉल आते हैं, हजारों विटनेस हैं मेरे पास, कि कुछ 1-2% लोग जो इस यूनियन में लीडर बन गए हैं और वे मनमानों को लीडरशिप से हटाया जाए, इसकी आवाज़ आप बनिए। मैं तो अपनी तरफ से, मीडिया की तरफ से आवाज़ उठा ही रहा हूँ, लेकिन आपको कमर कसना होगा और आपको खुद डिसाइड करना होगा कि किस तरह के लोगों को हमारे यूनियन का लीडर बनना चाहिए। आप, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, आप गलत आदमी को चीफ मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, आप गलत आदमी को मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। जो मिनिस्टर आपसे 2-3 लाख रुपए मांगेगा नौकरी के नाम पे, ऐसे लोगों को आप नहीं चुनेंगे। उसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनियन हो, उस यूनियन में लोकतांत्रिक तरीके से संचालन करने का बायलॉज होता है। उस बायलॉज के तहत ही किसी भी यूनियन का संचालन होता है, एक संविधान होता है किसी भी यूनियन का, उस संवैधानिक तरीके से उस यूनियन का संचालन होता है। लेकिन आए दिन हमें कुछ नकारात्मक सूचनाएं मिलती चली जा रही है, हर एक स्टेट से मिलती जा रही है। हमारे देश में 29 राज्य हैं और केंद्र 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों से नकारात्मक संदेश उन लोगों के लिए आता चला जा रहा है जो हमारे यूनियन में कुछ गलत स्वभाव के लोग लीडरशिप कर रहे हैं। तो यही समय है, ये राजगीर मीटिंग ही एक ऐसा जगह है जहां पर आप उपस्थित होकर हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी से अनुरोध करें, मनोरंजन जी से अनुरोध करें कि इस यूनियन में ऐसे लोगों को लीडरशिप का भार दिया जाए जिससे कि हर एक मजदूरों का जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का निपटारा एक विवेकशील प्राणी के रूप में यथाशीघ्र करने में सक्षम हो। यही मौका है। अगर गलत लीडर लोग फिर दोबारा इस यूनियन में चुनकर आगे आएंगे तो ध्यान रहे, कभी लिंक के नाम पे, कभी जब आपका ज्वाइनिंग होगा शिफ्ट के नाम पे, मतलब ज्वाइनिंग के नाम पे, और ज्वाइनिंग के बाद भी पैसा देने का, मतलब मांगने का, ये लोग गोरख धंधा कर रहे हैं। वैसे गोरख धंधेबाज लोगों से छुटकारा आप नहीं पा पाइएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी मजदूर भाइयों को कि आप राजगीर के मीटिंग में जाएं और निवेदन करें हमारे टॉप लीडर से कि जो समस्याएं लीडर्स की तरफ से आ रही है लिंक कराने में, वे जमा नहीं कर रहे हैं मजदूरों का, जो 14 लोगों का लिस्ट बनाकर सौंपा जाना है, जमा नहीं किए कर रहे हैं मनोरंजन जी के हाथ में, क्योंकि मनोरंजन जी ही हैं जो ऑल इन ऑल लिंक करने का ऑथोराइज्ड व्यक्ति हैं, उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस मीटिंग में आप ऐसे लीडर को चुने कि वे यथाशीघ्र लिंक कराने में, जितने भी मजदूर हैं भारत में QR कार्ड बना के रखे हैं, श्रम कार्ड बना के रखे हैं और रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करके रखे हैं, पूरा प्रोफाइल रजिस्टर में मेंटेन करके रखे हैं, उन लोगों का लिंक करा दिया जाए। मतलब QR कार्ड का जो प्रोफाइल है उसे श्रम मंत्रालय में भेजकर, भारत सरकार के वेबसाइट में भेजकर, भारत सरकार से प्रमाणित सर्टिफाइड दस्तावेज आपको मिल जाए। यही मनोकामना के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ।
साथ ही साथ बहुत सारे बुजुर्ग साथी हैं जो 1998 से इस यूनियन में जुड़े हुए हैं और वे इस यूनियन को खड़ा करने में पूरा तन मन धन से योगदान दिया। लेकिन जब आज के डेट में जब हमारी पॉलिसी अर्थात भारतीय रेलवे माल गोदाम के लिए एक संविधान भारत सरकार के द्वारा दी गई है, ठीक वैसे ही संविधान दी गई है जैसे कि हमारा बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हमें 1950 में 26 जनवरी 1950 में दी गई थी, उसी तरह से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भी भारत सरकार ने एक संविधान दे दिया गया है दिया है और उस संविधान में आपका वेतनमान सारे चीज़ें पेंशन और 17 सूत्री मांग इत्यादि सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो उस मांग को लेने के लिए अभी लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मजदूर भाई जो कि इस यूनियन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं उनका ऑडियो मैं साथ में डाल रहा हूँ क्योंकि उनका दर्द सरकार तक पहुँचना चाहिए, साथ ही साथ हमारे यूनियन के लीडर्स तक पहुँचना चाहिए। मेरा उद्देश्य किसी का ऑडियो डालकर किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि उन्हीं का आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे और उन्हीं का आवाज़ हमारे श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों तक पहुँचे और उनके समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो। तो आइए इस वीडियो का कंक्लूज़न हम हमारे एक मजदूर भाई के दर्द से दर्द भरे वक्तव्यों से अंत करते हैं, आगे सुने। हेलो हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है सर, अपना बताइए। मैं ठीक हूँ सर। आपका यूट्यूब पे सर देखकर हमको पता चला कि सर मेरा भी माल गोदाम में है सर ना। कौन सर, वो क्या चल रहा है सर, प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें? अभी देखिए, हम लोग को तो सारा चीज भारत सरकार से जो हम लोग मांग किए थे ना, हाँ सर, 1998 से जो मांग कर रहे थे वो सारा चीज लिखित रूप में दे दिया। अब उसको लागू करना है। लागू करने के लिए हम लोग का कमिटी वगैरह बनना शुरू हो गया। राजगीर में एक मीटिंग है 16 तारीख को, 16 तारीख के मीटिंग में वैसे लोगों को कमिटी में रखा जाएगा जो जो ईमानदार है, जो अच्छे काम कर सकते हैं, मजदूरों के हित में काम कर सकते हैं, जो जो समस्याएं लिंक करने वाला समस्या भी आ रहा है वो सब समस्याओं को सुलझा सकते हो। सर लिंक का मतलब, लिंक का मतलब सर? लिंक का मतलब ये हुआ कि आपका जो श्रम मंत्रालय से श्रम कार्ड बना हुआ है ना। हाँ सर, बना है। श्रम कार्ड से बना तो बना हुआ है लेकिन आप जो रेलवे के में काम कर रहे हैं इसका कोई प्रमाण तो श्रम मंत्रालय में नहीं है। नहीं सर, नहीं, वो तो नहीं है। तो QR कार्ड हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, वो QR कार्ड को का प्रोफाइल को श्रम मंत्रालय में भेज दिया जाएगा, श्रम कार्ड के साथ भेज दिया जाएगा। देखिए, ये रेलवे का मजदूर है, ये कोयला खदान का मजदूर नहीं है जी, ये और कोई खदान का कोई मजदूर नहीं है। सर ये कह रहे हैं सर कि हम लोगों को सर कुछ हुआ नहीं है सर, उसे ही प्रोफाइल आईडी सब है रखा हुआ है सर, कैसे होगा काम हम लोगों का? आप मुझे सर, हम लोग दो लोग हैं सर। हाँ, मुझे भेजिएगा, हम लोग लिंक सर आपको कैसे भेजे सर, व्हाट्सएप रहेगा नंबर? हाँ, व्हाट्सएप में भेजिएगा। और 17 तारीख के बाद हो सकता है कि हम लोग कुछ लीडर लोगों को, हो सकता है मनोरंजन जी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि लिंक वाला को जो समस्या आ रहा है उस समस्या को जल्दी से जल्दी हम लोग मिलके करेंगे। मैं आज तक इसमें काम नहीं किया, ना किसी का QR कार्ड बनाया हूँ ना लिंक किया हूँ, क्योंकि बात ये था ना, जितने लीडर्स बड़े लीडर लोग जो बड़े समझते हैं अपने आप को लेकिन बहुत छोटा विचार है उन लोगों का, विचार छोटा है। वो लोग लाखों रुपए लेता है हरा कार्ड के लिए, कभी ग्रीन कार्ड के लिए, कभी इसके लिए उसके लिए, वो सब चक्कर में मैंने कभी नहीं फंसा। तो सर ये सब क्या है सर, ग्रीन कार्ड वगैरह सबसे क्या मतलब है सर? होना है तो होना है सर। गरीब आदमी लोग का जो जायज मांग है वो तो गरीबों का मांग था, गरीबों के लिए जो पॉलिसी आया वो गरीबों के लिए है। तो अरे सर ज्वाइनिंग हो जाएगा सर? हाँ, ज्वाइनिंग होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये लिंक वाला जो बात हो रहा है इसको हर हाल में हर मजदूर लिंक कराने के लिए चाहे मार के काट के लिंक हर हाल में करा लीजिए। सर सब प्राइवेटीकरण कर रहा है सरकार, मोदी सरकार में तो सर नहीं, हम लोग रेलवे माल गोदाम का बात अलग है, ठीक है, रेलवे में कुछ भाग है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया लेकिन माल गोदाम एक अलग चीज वो हो गया, ठीक है। वो प्राइवेटाइजेशन अब तक था, 1952 से था प्राइवेट, लेकिन अब वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वही तो हम लोग आंदोलन, आप लोग जीत गए हैं, अपना हक को आप लोग ले लिए, उसको आप छीन के लीजिए कैसा भी लीजिए। सर हम लोग को लीडर पता नहीं है सर जी, ये तो हम लोगों को कैसे काम होगा सर जी, यही हम पूछना चाह रहे हैं सर। मान लीजिए होगा तो होगा, आपका लीडर जिंदा है कि मर गया? अरे सर यही तो नहीं पता है सर। हाँ तो वो लीडर लोग देखिए आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है, हमको बस रखे हैं सर, उसका कोई काम वाम नहीं हुआ सर, वैसे ही रखा बीच मझधार में वो छोड़ दिया। तो ऐसे मजदूर लोग जो बीच मझधार में है अभी, उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, ध्यान रखने वाला नहीं है, वो सब मेरा से संपर्क करेगा और मैं जो है जितना QR कार्ड आपका कागजात बना हुआ है उस कागजात का सूची बना के समस्या लिख के मैं मनोरंजन जी को सौंप दूंगा, ये लोग का ये समस्या है आपको हल करना है। अभी कोई लीडर हल नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं,
ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि सर वो मेरा सही है या फिर या तो फिर फेक नहीं है सर वो कागजात? मुझे भेजिएगा ना तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है सर जी, व्हाट्सएप नंबर आपका सर? नहीं नंबर है इसी में। अच्छा यही नंबर है सर। अच्छा हाँ जी, आप रहने वाले कहाँ गए सर? मैं झारखंड का हूँ लेकिन बिहार में हूँ अभी। बिहार में एकदम बनारस लीडर लोग हैं, उन्हीं के घर के बगल में हूँ सर। वाराणसी से मैं सांसदी इस क्षेत्र से मोदी के बोल रहा हूँ सर। अच्छा बनारस, बनारस से यूपी। बहुत दूर से बोल रहे हैं, कभी जरूरत पड़ेगा तो आइएगा और जितने मजदूर लोग हैं आएंगे सर, और अपनी समस्याओं को हम लोगों के पास रखेंगे। फोन के माध्यम से तो रखिए, साथ ही साथ मनोरंजन जी को भी रखिए, अरुण कुमार जी को भी रखिए। ये देखिए हमारा ये समस्या है, इसको हल करिए सर। करेंगे मतलब कंफर्म, मतलब कोई डेट इसका फिक्स नहीं है मतलब कि इस दिन होगा या उस दिन होगा? नहीं, एक दो महीना के अंदर हम लोग को कंप्लीट करना है, दो तीन महीना मान के चलिए कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो अब छोटा छोटा काम बचा हुआ है ना, ये सब चीज अच्छा नहीं है। अभी बोर्ड का बात हो रहा है, ठीक है, हम लोग का रेलवे बोर्ड नया बोर्ड आप लोग के लिए बन रहा है। अगर प्राइवेट सर ये कह रहे हैं इतने श्रमिक है सर, सबका हो जाएगा सर, वेतन वगैरह ये सब कहाँ से सब होगा सर? अरे वेतन जो है जितना भारत का सबसे ज्यादा इनकम देने वाला जगह का नाम है रेलवे माल गोदाम। ये तो है सर, इसमें तो सच्चाई। लेकिन है। आपको अभी तनख्वाह के रूप में कितना देता होगा, मोटा मोटी कितना देता है सर? कुछ नहीं पता है सर। तो देखिए रेलवे माल गोदाम में अगर एक मालगाड़ी 1 अरब रुपया कमा के देता है तो 70 करोड़ रुपया आपका हक बनता है जी। उस 70 करोड़ में सिर्फ तनख्वाह बना के देगा आपको जी, ठीक है, मतलब 30% अपने रखेगा, रेलवे मंत्रालय रखे चाहे वो जो दूसरा विभाग का टीटी लोग है उस लोग को तनखा दे, 30% को दे दे, हम लोग को 70% चाहिए। एक एक गाड़ी अगर आपके बनारस से चला गया कश्मीर तो करोड़ों रुपए का ना सामान ले जा रहा है, करोड़ों रुपए का ना इनकम जनरेट करके दे रहा है एक ही मालगाड़ी जी जी, तो उसमें 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 70 लाख रुपया आपका हक है, वो आपका हक लिखा हुआ है उसमें, और उसी पैसा से हम लोग को वेतन देना है। एक गाड़ी थोड़ी है, यहाँ लाखों हजारों गाड़ी सर, वो तो लाखों गाड़ियां सर अप डाउन होता रहता है सर। तो सर ये कह रहे सर कितना मतलब वो सैलरी पड़ जाएगा फिक्स में महीने का? सैलरी आप लोगों का बहुत हाई रहेगा, अब आप मत बोलिएगा कि इतना ज्यादा कैसे देगा, एक सवाल फिर पूछ लीजिएगा आप लोग। मैंने प्रूव करके बता दिया कि मोटा मोटी देखिए 23,000 से लेके 56,000 बेसिक पे स्केल है, जो एफसीआई का है, एफसीआई का वेतन देखे है ना मजदूरों का, उस लोग का वेतन जो है राष्ट्रपति से भी ज्यादा जी। और मुझे खुशी है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को, मेरी माता जी भी है, मैं भी आदिवासी लड़का हूँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, फिर भी कहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपति से भी ज्यादा हक लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मजदूर रख सकता है, क्योंकि मजदूरों की वजह से भारत का विकास होता है, किसी भी देश का विकास मजदूरों से होता है और उनको लेने का हक है। और इसी का डिमांड मैं बार बार कर रहा हूँ, हमारे यूनियन के जो भी लीडर है, टॉप लीडर्स है, वो लोग आवाज उठा रहे हैं और उनका साथ मैं भी दे रहा हूँ मीडिया के रूप में। ओके आप तो सर बहुत दे रहे हैं सर, आपका धन्यवाद सर, बहुत दे रहे हैं आप जी और देख रहे हैं यूट्यूब पर आपका सर बहुत देते हैं। इसको एकदम रट लीजिए, आप लोगों का पे स्केल वगैरह सब बना हुआ है, लेकिन किसी तरह का लिंक करने के लिए कहा जाता है तो लिंक करा लीजिए, और जो मनोरंजन जी कहते हैं वो करना है, लीडर लोग बोलता है वो सब हर काम नहीं करना है, लीडर लोग बहाना बना बना के पैसा लूटता है वो सबसे बच कर आना है। मनोरंजन जी क्या निर्देश दिए उस पर ध्यान देना है, और मैं मीडिया में डालता रहूंगा, उस पर ध्यान दीजिए और उसी के अनुसार उसी के गाइडलाइंस पे, छोटा है हम लोगों के, आप लोगों के उम्र से तो छोटे हैं है ना मनोरंजन जी, बावजूद इसके मेहनत तो कर रहे हैं ना, सारा काम उन्हीं का इतिहास पुरुष बन गए हैं अभी मनोरंजन जी, उन्हीं का किया धरा सच्ची होती है, मतलब कि 100% तो होना है सर, 1001% होगा, 100% नहीं 1100% होगा। आप सर जी ठीक है सर, सर जी हम अपना प्रोफाइल आईडी आप पर भेज देंगे सर, भेज दीजिए, और सभी जितना भी मजदूर है उनका अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उनका प्रोफाइल आईडी लिख के, उनका श्रम कार्ड का नंबर लिख के, और अगर लीडर है जिंदा है तो उसका नाम लिख के, उसका मोबाइल नंबर लिख के मुझे भेजिएगा। सर जी पढ़े लिखे तो हम भी हैं सर, और मेरा अभी 14-15 से जुड़ा है सर। हाँ तो आपके मित्र बंधुगण भी है, उन लोगों का भी काम नहीं हुआ होगा सबसे, नहीं सर वो भी लोग ऐसे ही पड़े हैं, एक छोटा सा बैठक बुला लीजिए, चाय का व्यवस्था कर दीजिए सिंपल, और बैठ के सबका नाम उस लोग का लिख के मुझे एक पेपर में लिख के उसका फोटो खींच के मुझे भेजिए। ठीक है सर, ठीक, सबका कल्याण हो जाएगा सर। 23 में सर होने की संभावना है सर? एकदम डेफिनेट, एक दो महीना के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर चुप गए तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2024 में चुनाव है, ठीक है, एक दो महीना के अंदर हम लोग को, 2-3 महीना के अंदर मतलब चुनाव से पहले किसी भी हाल में करके खत्म करना है। लेकिन शब्द आ जाता है सर तो दुविधा समझ में आने लगता है, दुविधा में मत रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही वो सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है, है ना, एक आधा आप लोग तो जज लोग भी हैं, वहाँ मैं अदालत में शपथ लूंगा क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही इंसान अगर भारत में रहे तो सर जी सबका कल्याण होता रहेगा।
जी जी भगवान करे आप लोगों को जल्दी आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है जी जी आपका आशीर्वाद हमें लगे सर, आप मेरा आपका ऐसे ही सपना लगता रहे सब सबका होता रहे सर। जी सर परेशान थे सर जी आपका देख देख के, हम कहे क्या आखिरकार होगा कि नहीं होगा सब, ये सब क्या सब वीडियो भी बनाते हैं सर लोग और कुछ समझ में भी नहीं आता है। नहीं सब सारे वीडियो को मत देखिए, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत ही नेगेटिव मैसेज करता है। हाँ सर नेगेटिव, और उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे यूट्यूब चैनल जी मजदूरों के हक अधिकार को जो डिमांड की जा रही है 1700 मांग, उसमें इंटरफेयर ना करें वो लोग, बल्कि मदद करें हर एक मांग को पूरा करने के लिए, सरकार से दबाव दे। 17 मांग आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या मांग पूरा हो गया। ठीक है उसको भी देख जी 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 कह रहे हैं कि सर लेबर पोस्ट है मेरा उसमें, हाँ तो उसमें लेबर का क्या काम रहता है सर? लेबर में तो वही जो अभी जैसे माल गोदाम में तो क्या होता है, मजदूर लोग जो गाड़ी आती है रैक लगता है और गाड़ी को खाली करना पड़ता है। हाँ। अभी जो हो रहा है उसमें 24 मतलब 12-8 घंटा काम करता है लोग, लेकिन अभी जैसे ही रेगुलर हो जाइएगा मुझे लगता है आप लोग 1-2 घंटा भी काम करिएगा जी, क्योंकि एक ही बोगी का सामान को 14 लोग मिलकर खत्म करना है। अच्छा एक बोगी को केवल जी, हर एक बोगी में 14-14 लोग रहेगा, 14-14 लोग। हाँ तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाइएगा विश्राम घर बना रहेगा, नहा धोवा के सो जाना है, 2 घंटा काम किए और बाकी समय सो जाना है। वहाँ कैंटीन का भी व्यवस्था का बात हो रहा है, कैंटीन का उनका कम दाम में 5 रुपया आसपास में भोजन मिल जाएगा, खा लेना है, नहा के सो जाना है चुपचाप से जी। मतलब अगला दिन अगर रैक आया तो उतारना है, नहीं तो सो जाना है, सुतले रहना है, तनख्वाह आप लोगों का बन रहा है, तनख्वाह बनता रहे। इसका मतलब सर लोडिंग अनलोडिंग का काम है? हाँ लोडिंग अनलोडिंग ही है, लोडिंग अनलोडिंग है। मान लीजिए आप लेबर है ना, अगर उम्र हो गया नहीं उठा सकते हैं तो वॉलेंट्री रिटायर उस दिन ले लीजिएगा जिस दिन आपका ज्वाइनिंग शुरू होगा, उसी दिन आप वॉलेंट्री रिटायर ले सकते हैं, आपको पेंशन मिलेगा और एरियर भी मिलेगा जी। तो और आपके जगह में किसी और को दे दीजिएगा, बेटा को दे दीजिएगा, बेटी को दे दीजिएगा, बहू को दे दीजिएगा जी। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर आपको मैं भेजूंगा सर। जी जी भेजिए भेजिए जी। प्रणाम सर, प्रणाम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।